ये भाइयों पावर स्टेयरिंग 50 एचपी में है और सांदन गांव में है। आप आवाज सुनिए, क्या शानदार आवाज है। ये कैसा काम कर रहा? बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। बंद करो। 50 एचपी सेगमेंट में इससे अच्छा ट्रैक्टर फिलहाल है। 50 एचपी में तो ये टायर 14 के 14 के कितने घंटे चल गया होगा? घंटे अब तक कोई दिक्कत नहीं। रोटर पंप है इसमें? कौन सा? नहीं, इनलाइन पंप है। भाई ऐसे जैसे पिछले इससे का डिफरेंशियल था इस तरह का, इससे आवाज़ नहीं बनती। हाँ, सीधे एक्सल में जो होता है ट्यूब होती जब नहीं होती पिछले इससे में। महसूस सड़क पे महसूस। लेकिन इस तरह का जो ये जुगाड़ है ये उठता नहीं ट्रॉली में। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि यो जब खींचे है ना तो ये पिच ट्यूब हो जाए, अगर ये उठेगा तो ये एक जैक का काम करे, इसका लंबा पड़ जाए, उठता नहीं बिल्कुल भी, खींच बहुत बढ़िया हो जाए इसकी। भाइयों इसमें ये इनलाइन पंप है, ये 4 सिलेंडर है? 3 हाँ, चमक नहीं रहा है इनसे। यो देवबंद बहुत तगड़ा है तो बंपर वालों के। ये कितने का पड़ गया था? 12,500 का बनाया था जिन्होंने। भाइयों 12,500 का बम्पर उजागर जी, ये नंबर है। और भाइयों आज उनका नंबर भी दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, उजागर देवबंद उजागर ट्रेलर। हाँ, 8171852990। बहुत मेरे भाई परेशान रहते हैं कि नंबर दो, आज आपको नंबर मिल गया, उजागर देवबंद का नंबर है भाइयों, ये जरूर संपर्क करना है। सिस्टम भी वहीं लगवा के लाए थे ऊपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ये म्यूजिक सिस्टम भी वहीं का। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम। और वो छतरी कहाँ की? वो नहीं लगवाई थी? छतरी लगवाई, वो पेट्रोल डे है। हाँ, अजय इसका ये रोटावेटर है, ये कौन सा? शक्तिवान है? ये गोविंद का। ये गोविंद का कहाँ का? अच्छा, पंजाब का। ये कुछ सस्ता मिलता होगा? इसने सब ये सब एक से ही है, किट मार्केट से खरीदे हैं और जोड़ दें सब, सब अपनी मोर मार दें। मोर का घेर दिया। भाइयों आपको मैं इनकी एक एसी टाइप कुटिया दिखाता हूँ। इस कुटिया में देखिए क्या शानदार, आहा ठंडी हो रही, अब तो निवासी आ रही इसमें। ये देखिए भाइयों, ये अंदर से कच्ची है जी। तो जिस टाइम लू चलेगी उस टाइम मजा देती होगी। पंखे में देखो जी, घेर में बना रखी, इसमें खर्चा कितना आ गया होगा? इसमें चौके पैसे लग गए। चौके लगे, मजबूत बनवा रखी जी। बहुत सुंदर है ये कुटिया, देखो बनी 2-6 साल हो लिया इसमें। हाँ जी, चलो थोड़ा सा पीछे से आओ, देखो ये कुटिया है भाइयों। और ये इनके पशु हैं, किसान बिना पशु के तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि पशु नहीं होंगे तो दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो चाय नहीं बनेगी, चाय फिर काली पीनी पड़ेगी। पर फायदा एक है, ना बीमारी हो ना बाय हो। ये आजकल जो बाय हो रही, एक लड़का हमारे गांव में ना, उसने बचपन से दूध नहीं पिया, आलू आलू खाता है, कम से कम 1.5 क्विंटल वजन है, बहुत तकड़ा लड़का है वाकई सच में। तो भाइयों अभी ये इनकी ट्रॉली है, इससे गन्ने डालते हैं मवाना मिल में, उड़लने वाली है। ये इनकी बैठक है, यहाँ बम्बा है गांव के बीच में।